दोस्तों ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बन करके आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे, सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको दबा लेना। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। पूरा वीडियो भाई बहनों देख करके जाना, बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाया आज का। तो हम चाहते हैं कि आप सब भाई बहन आज ये सुबह का जो वीडियो है ये अंत तक देखो और लाइक करो। साथ ही जो भाई बहन चैनल से जुड़े नहीं अभी तक वो सब भाई बहन सब्सक्राइब करके अपनी नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर दबा लेना। इससे ये होगा कि आपके पास हमेशा जानकारी पहुंच जाएगी, जब भी हम कोई खबर डालेंगे चैनल पर आपको सूचना ऑटोमेटिक पहुंच जाएगी। इसीलिए सब्सक्राइब करके बेल दबाना जरूरी होता है। अब आपको बता दें, देखो यहां पर मानदेय से जुड़े हुए कुछ सवाल भी हैं, कुछ जवाब भी हैं, कुछ आंगनबाड़ी बहनों के द्वारा कही गई कुछ बातें भी हैं सरकार को, साथ ही साथ बहुत कुछ ऐसा है जो आप लोगों को सीखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। यहां पर बता दें एक मैसेज आया है, सबसे पहले आप ये देख लो। इसमें लिखा है सुधांशु भैया नमस्ते, बिहार में कई जिलों में जुलाई तक का मानदेय आ गया है। कहने का मतलब है जुलाई तक का मानदेय बिहार के कुछ जिलों में आ गया है और कुछ जिलों में नहीं आया है, आखिर इसका कारण क्या है बताइए। कमल कुमार भाई हैं कटिहार बिहार वगैरह से। देखो पिछले आप लोगों ने देखा 5-6 महीनों से जब से लॉकडाउन चला है, सरकार जो डिजिटल इंडिया करती रहती है, इनका भंडा ये आपके सामने ही है जो फूट चुका है। कहने का मतलब मानदेय वगैरह में टेक्निकल खराबी रहती है, मानदेय अंडर प्रोसेसिंग में पड़ा रहता है, वो जो है क्लियर नहीं होता। कभी मानदेय कुछ जिलों में पहुंच जाता है, कुछ जिलों में पहुंचता ही नहीं है। ये सब ऊपर निदेशालय से कमियां हैं, जो लापरवाहियां भी हो रही हैं कुछ थोड़ी बहुत, और थोड़ी बहुत जो है टेक्निकल खराबियां भी हैं, जिसके चलते ये सब कुछ समय पर हो नहीं पाता है। फिलहाल के लिए आगे बता दें आपकी समस्या, इनकी समस्या जिससे जो है जुड़ी हुई है, जैसे ये देखो भाई जो है, भाई जी आज 9 दिन हो गए हैं और बस यही लिखा है, और लिखा है इसी से जो है तसल्ली वगैरह करें क्या। तो ये एक बहन है, उनका सवाल है, ये उत्तर प्रदेश से बहन है और उत्तर प्रदेश में आपने देखा है पिछले 9-10 दिन से मानदेय तो खाते में लग गया लेकिन वो पैसा बीरबल की खिचड़ी बन चुका है, यानी वो पकने का नाम नहीं ले रही है ये खिचड़ी और आंगनबाड़ी बहनों तक पहुंच ही नहीं रही है। ये आपको बता दे भूख कैसे मिटे। अंडर प्रोसेसिंग में 4500 रुपया ये देखो केंद्र सरकार का, 1000 रुपया राज्य सरकार का, दोनों पैसा पूरा आंगनबाड़ी बहनों का उत्तर प्रदेश में अंडर प्रोसेसिंग में पड़ा है पिछले 10 दिनों से। अब आप लोग खुद सोचो, ये डिजिटल इंडिया का सपना देखने वाली सरकारें आखिर कैसे कब तक ये करेंगी। यहां पर पेमेंट खाते में लगता है 10-10 दिन 20-20 दिन में, ये क्लियर नहीं करवा पाते हैं। तो ये क्या है माजरा पूरा, आंगनबाड़ी बहनें भी परेशान है और साथ ही साथ ये एक सिस्टम जो चल रहा है इस समय, मैं देख रहा हूं काफी तकलीफ भरा है कि यहां पर कुछ जिलों में मानदेय आता है, कुछ जिलों में आता ही नहीं है, वो भी कुछ जिलों में छोड़ दो, कुछ ब्लॉकों पर ही कुछ का आ जाता है, कुछ का नहीं आता है। आखिर ये अनियमितताएं क्यों बढ़ती जा रही हैं? कहने का मतलब है ये छोटा छोटा आप जो लापरवाही देख रहे हो अधिकारियों के स्तर से, ये क्यों चल रहा है? सरकार आखिर कहां बिजी है जो इस समय इन मानदेय कर्मिकों की तरफ अपना ध्यान आकर्षित नहीं कर पा रही है। इसी संबंध में हमारे भाई अमित बख्शी, उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही है, चलिए इनके शब्दों को हम लोग सुनते हैं। इन्होंने कहा है कि भाई सुधांशु जी, बहुत सी बहनों के घर के उधारी पर जल रहे हैं लेकिन 3 महीने होने को है, बहनों के परिश्रम का पैसा उनके खाते में नहीं आया, सरकार की संवेदना नहीं जागी। 62 वर्ष रिटायरमेंट का हवाला जो है यहां पर कर सभी बहनों का मानदेय रोक देना कहां तक उचित था? क्या सरकार को पहले से तैयारी नहीं करनी चाहिए थी? कभी बजट का अभाव बताकर मानदेय रोक दिया जाता है और कभी कुछ 4-5 हजार रुपए मात्र मानदेय पाने वाली बहनों का, अगर 1 महीने मानदेय रुक जाता है तो बहनों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है। ऐसे में 3 महीनों तक मानदेय खाते में ना भेजना कहां तक उचित है? पोषण माह के जो है सरकार ने पोषण के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कितने पैसे सरकार ने बहनों के खातों में भेजे हैं? आपको खुद अपने चैनल पर बहनों के पोषण कार्यक्रम दिखाए हैं। इन सब कामों में पैसा खर्च होता है, बहनें अपने पास से खर्च कर सरकार के आदेशों का पालन करती हैं, यहां तक सरकार मोबाइल रिचार्ज का पैसा जो है तक बहनों को नहीं दे पाती। आखिर बहनों का शोषण सरकार कब तक करती रहेगी? एक बड़ा सवाल अमित बख्शी भाई की तरफ से। साथ ही बता दें आप लोग देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में केवल 3 महीने को आप लोगों को मानदेय बाधित है, जिसके चलते आप लोगों ने जाना है कि कितना संकट, कितनी परिस्थितियां जो है आ रही है, कैसी खराब स्थितियों में बहनों को गुजारा करना पड़ रहा है। अब आप सोचो एक बिहार भी आपके पास ही में उत्तर प्रदेश की बहनों राज्य है जहां पर 2-2 साल से आंगनबाड़ी बहनों को पैसा नहीं मिला है। ऐसे और भी बहनें जिनका 4-4 महीने से पैसा नहीं आया, कुछ ऐसी भी हैं जिनमें
में यहां पर उनका केंद्र का भवन का किराया जो है वो अपने घर से दे रही हैं, मतलब मानदेय भी नहीं मिला प्लस भवन किराया अलग से अपने घर से दे रही हैं। अब आप खुद सोचो आर्थिक शोषण कितना ज्यादा आंगनबाड़ी बहनों का सरकार और हमारे बाल विकास के अधिकारी कर रहे हैं। साथ ही ये देख लीजिए एक और खबर छपी है, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का मामला हाईकोर्ट पहुंचा है। दरअसल इस मुद्दे पर हम आपको बताना चाहेंगे कि यूनियन ने क्या कहा है, समस्या क्या है वो देख लीजिए, थोड़ा आपको अच्छा लगेगा। गोरखपुर से खबर छपी थी, महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश जनपद इकाई गोरखपुर की एक अति आवश्यक बैठक शनिवार को बताया जा रहा जिला कार्यालय पर हुई है। अध्यक्षता जो है जिला अध्यक्ष निर्मला शर्मा जी है, उन्हीं के संचालन में हुई है। महामंत्री गीता सिंह जी उसमें भाग लिए हैं। बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने इस बात पर रोष भी जताया है कि 62 वर्ष की पूरी हो चुकी आंगनबाड़ी बहनों को बिना किसी लाभ के बैठा दिया जा रहा है। महिलाओं के सशक्तिकरण का दंभ भरने वाली राज्य सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के साथ में अन्याय कर रही है। 30 से 35 वर्ष सेवा करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं को 62 वर्ष की उम्र पूरी कर ले रही है, उन्हें राज्य सरकार जो है बिना कोई लाभ दिए खाली जो है घर बैठा दे रही है। यह आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिकाओं के साथ उनका मानसिक उत्पीड़न जो है सरकार वगैरह कर रही है। बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंची आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां ऐसी उम्र में क्या करेंगी, वह या सोच कर भी जो है परेशान हो रही, यानी सोच भी नहीं पा रही है। उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। संघ की जिला जो है अध्यक्ष है, मीडिया प्रभारी है अमिता उपाध्यक्ष, उन्होंने भी कहा कि जिन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को एवं सहायिकाओं को घर बैठाया गया है वह निराश ना हो, उनकी लड़ाई हर स्तर से लड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि संघ के प्रदेश अध्यक्ष गिरीश कुमार पांडे जी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बहनों के जो है पक्ष में लखनऊ की हाईकोर्ट में याचिका भी दायर कर दी है। बैठक में माधुरी बहन, किरण बहन ऐसे तमाम बहनें शामिल नहीं है। अब आपको बता, देखो कोर्ट में मामला तो पहुंच चुका है और वो भी एक यूनियन नहीं गया, तीन तीन यूनियन पहुंच गए हैं। यानी आपने देखा सबसे पहले दिनकर जी गए, उसके बाद में आपके कौन गए, फिर महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ गया, उसके बाद सैमा बहन भी जो उन्होंने भी रिट डाल दी। तो कहने का मतलब है कोर्ट की जो लड़ाई है वो तो हो ही रही है, लेकिन इन सरकारों से कैसे जो है लोहा ले पाएंगे हमारे यूनियन, क्योंकि ये तो कभी किसी की सुनते ही नहीं है। मानदेय बढ़ाते हैं तो वो लागू नहीं होता है, मानदेय उनके मेहनत का जो फल है वो भी समय पर मिलता नहीं है, पैसा भेजते हैं तो 10-10 दिन 20-20 दिन तक इसका इंतजार करना पड़ता है, वो पैसा अकाउंट में लग जाता है, अंडर प्रोसेसिंग में दिखता है लेकिन वो पैसा खातों में नहीं आता, यानी क्लियर नहीं होता। बहनें अपना घर का खर्चा कैसे चलाएं, बहुत समस्या है। और सरकार दूसरी तरफ डिजिटल इंडिया का ढोंग रचा रही है। ऐसे में बता दें आपको एक ये देख लीजिए खबर, गीता सिंह बहन है, भोपतपुर पड़ता है, ढीम वगैरह से मिनी आंगनबाड़ी है और उन्होंने ये देखो कार्यक्रम मनाया। ऐसे कार्यक्रमों को मनाने के लिए आंगनबाड़ी बहनों को अपने घर से खर्चा भी करना पड़ता है, तो इन सब कार्यक्रमों को भी वो मनाती है लेकिन इनका पैसा भी समय पर नहीं आता, इनका मानदेय भी समय पर नहीं आता, मोबाइल में रिचार्ज का अलग से जाता, तो चारों तरफ से शोषण ही शोषण है। अब एक और मैसेज मेरे पास आया, इसे भी आप लोग देखिए, लिखा है भाई मैं चौराई वगैरह परियोजना से हूं, बाढ़ में मेरा घर वगैरह, बाढ़ को लिखना चाहती हैं, गलत लिख दिया उन्होंने, उनका कहना है बाढ़ में मेरा घर बह गया है और मानदेय इतना नहीं मिलता है कि हम हमारा घर बना सकते हैं, आंगनबाड़ी वालों को आवास योजना का लाभ मिल सकता है कि नहीं, आप बताएं भैया जी। भाई सचिव से बात करके देखा, वह नहीं कह रहे हैं, बोलते हैं कि आपकी नौकरी है आपको लाभ नहीं मिलेगा, पति भी मजदूरी वगैरह करते हैं, दो बच्चे वगैरह भी हैं, बताओ समस्या कितनी ज्यादा है। नौकरी ऐसी सिर्फ नाम की नौकरी, ये इसमें पैसा आप लोग जानते हो कितना मिलता है, क्या होता है, घर का खर्चा चलना मुश्किल होता है। और ऐसे में जब इनके जो है परिस्थितियों को कैसे जो है सुदृढ़ किया जाए, यानी इनकी आर्थिक स्थिति कैसे बदलाव लाई जाए, क्योंकि इनका तो परिवार भी आप देख रहे हो और साथ ही साथ इनका घर भी बह गया बाढ़ में, अब आगे ये क्या करें। यहां पर विभाग को और वहां के प्रधान को मिलकर के मदद करनी चाहिए, मकान के लिए जो है इनकी व्यवस्था करवानी चाहिए। आगे बता दें, देखो अगला एक और ये मैसेज है, नमस्ते भैया जी, मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती वंदना, मेरे यहां एक बीएलओ वगैरह पहले जो है यहां पर लिखा है चुनाव वगैरह में ड्यूटी पर थी, इस बार जो है उनका कहना है पंचायत चुनाव में यहां पर अतिरिक्त बीएलओ के रूप में हमारी ड्यूटी वगैरह लगा दी गई है, तो ये उनका मानना है, तो बताएं हमें क्या करना होगा। तो बहन ड्यूटी लगी है तो ड्यूटी का पालन तो करना ही होगा, ये सब जानकारी है। तो आगे बताना चाहेंगे, इन्होंने शायद लिखा तीन वगैरह अतिरिक्त वगैरह पंचायत चुनाव में, तो एक साथ तीन तीन में ड्यूटी नहीं लग सकती है, गलती बस हुआ होगा, आप उसके लिए अपने वहां पर जो डीएम के पास जाओ ज्यादा अच्छा रहेगा, या तहसील स्तर पर जाओ और उनको बोलो कि एक आंगनबाड़ी तीन तीन नौकरी आखिर कैसे करेगी। आगे देख सकते हो एक और ये मैसेज लगा है, ये इसमें लिखा ये रिटायरमेंट की सूची है जिसके पास चार्ज गया है और हरदोई पिहानी से, लेकिन हम बताना चाहेंगे ये रिटायरमेंट की सूची नहीं है, ये कुछ और है। जैसे देखो इसमें समझने लायक बातें हैं, क्रम संख्या का एक कालम बना है, परियोजना का नाम का कालम बना है, ग्राम सभा ग्राम पंचायत का नाम का कालम बना है, कोटेदार का नाम मोबाइल नंबर और पूरा पता इसका कालम बना है, साथ ही कोटेदार का पहचान पत्र देखो इसका कालम बना है। अभी हाल ही में आपको मैंने कुछ सरकारी आदेश दिखाए हैं, कुछ प्रारूप भी आपको बताया जिनमें कोटेदार
परिवार का नाम, पहचान पत्र, मोबाइल नंबर, ये सब मांगा जा रहा है। और इसीलिए हमने आपको बताया, ये देख सकते हो यहाँ पर एसएस में आंगनबाड़ी का भी भर के जा रहा है और यहाँ पर कोटेदारों का भी भर करके जा रहा। अब आप लोग यहाँ पर सोचो आंगनबाड़ी का यूनिक कोड भी है, तो ये रिटायरमेंट का काम बिल्कुल नहीं हो सकता। जो रिटायर हो रही हो फिर उनको कोटेदार से जोड़ करके ये डाटा क्यों भरवाया जा रहा है, यदि आप कह रहे हैं कि यहाँ पर ये जो है रिटायरमेंट वाली है। अगर रिटायरमेंट वाली है तो कोटेदार से मिलकर के यदि कुछ हो रहा है तो हो सकता है आगे इनको कहीं ना कहीं राशन वितरण में ना लगा दिया जाए और पैसे का प्रावधान पता नहीं होगा या नहीं होगा। फिलहाल जो भी है ये अपने आप में एक विषय सोचने लायक बन चुका है। यहाँ पर पिहानी जनपद में लगभग 218 बहनों की ये लिस्ट है और जिसके बारे में ये एक बहन है, इन्होंने लिखा ये रिटायरमेंट की सूची बता रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं है फिलहाल के रिटायरमेंट की सूची है, फिर भी जो भी होगा समय का हम लोग इंतजार कर रहे हैं और समय के साथ ही सब सच्चाई बाहर आ जाएगी। साथ ही देखो अब आंगनबाड़ी मीना देवी पिहानी से है, देखो ये एक उन्होंने भी प्रारूप भेजा है, इसमें भी हम आपको दिखाना चाहेंगे कुछ खास चीजें। जैसे नोट करिए यहां पर भी परियोजना का नाम, ग्राम सभा पंचायत का नाम, कोटेदार का नाम, मोबाइल नंबर, ये सब, और कोटेदार का पहचान पत्र, ये सब यहां पर भी कालम भर करके ऊपर जा रहे हैं, ये सब आप देख लीजिए। इसीलिए ये जानकारियां इकट्ठा हो रही 24 सितंबर को, ये धर्मेंद्र सिंह संयुक्त निदेशक है, उन्होंने लेटर निकाला था। अब आगे बताना चाहेंगे एक और आदेश, ये देखो आंगनबाड़ी सुनीता बहन ने और भेजा है, जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे ये निकला है आपके बरेली जनपद में और यहां पर 26 सितंबर को ये लेटर निकला है परसों। और देख लीजिए आंगनबाड़ी केंद्रों की ग्राम सभावार, ग्राम पंचायतवार सूची मांगी गई है। हमने दो दिन पहले भी आप लोगों को इस सूची के बारे में बताया है जब निदेशालय से सूचना जारी हुई थी, 25 सितंबर 2020 को ही आदेश निकल चुका था। आपको बता दें संबंधित आंगनबाड़ी केंद्रों की ग्राम सभावार, ग्राम पंचायतवार जो सूची है वो एमएस एक्सेल शीट वगैरह पर टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट में मांगी जा रही है। 28 सितंबर यानी आज के ही दिन तक ये मांगा गया, तो एक दिन का आज के लिए समय है। बरेली में ये भी निकला है, परियोजना का नाम, ग्राम सभा पंचायत का नाम, कोटेदार का मोबाइल नंबर, पूरा पता, कोटेदार का पहचान पत्र, फेयर स्वाप के अंतर्गत आच्छादित आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, आंगनबाड़ी केंद्र का यूनिक कोड 14 डिजिट वाला, और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का नाम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का मोबाइल नंबर, इस प्रारूप पर सूचना जो है मांगी जा रही है। तो दोस्तों आज का यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है, यदि पसंद आया वीडियो तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। साथ ही आपको बता दें देखो हमने एक पोस्ट डाला है ऑल इंडिया पर, सुधांशु पटेल चैनल पर। हम बताना चाहेंगे ऑल इंडिया के अलावा हमारा एक सुधांशु पटेल नाम से भी चैनल है जिस पर हम पिछले 6-7 महीनों से जो है आज के मुख्य समाचार डालते हैं, यानी उसमें देश दुनिया की सभी खबरें डालते हैं। लेकिन वहां पर इतने ज्यादा लोग जुड़े हैं, लगभग 64,000 बहने भाई हैं, लेकिन फिलहाल के लिए वो लोग सभी लोग वीडियो नहीं देखते हैं, लगभग 2,000 लोग उसमें से वीडियो देखते हैं डेली का, कोई 1500 कभी 2,000। तो हम ये कहना चाहेंगे या तो लोगों को इसमें रुचि नहीं है अन्य तरह की खबरों में, तो इससे अच्छा है यदि हम सोच रहे हैं आप लोगों के लिए एक सुझाव लेकर के आए हैं, हम सोच रहे हैं आपका थोड़ा बहुत मनोरंजन भी हो जाएगा यदि आप बोर हो रहे हैं, साथ ही हमारे साथ बात करने का मौका भी मिलेगा। हम सोचे हैं कि गेम वगैरह, स्टोरी मोड जो गेम होते हैं वो हम डालना शुरू करेंगे, यानी कहानी के तौर पर जो गेम होंगी उनकी पूरी सीरीज वगैरह कैसे क्या होगा हम फेस कैम के साथ में खेलेंगे और आप लोगों को इसमें थोड़ा बहुत मनोरंजन भी होगा। इसके लिए हमने सोचा नया कंटेंट सुधांशु पटेल पर शुरू किया जाए क्या, आप सब अपना सुझाव दीजिए। क्यों? क्योंकि वहां पर इतनी मेहनत के बावजूद हम न्यूज की खबर डालते हैं लेकिन लोग बाग उसको ज्यादा वरीयता नहीं दे पा रहे हैं, इससे यह पता चलता हो सकता है वहां पर ज्यादा न्यूज देखने वाला लोग ही ना जुड़े हों, इससे अच्छा हो सकता है यदि आप लोगों को मनोरंजन के लिए कुछ चाहिए तो हम उसके लिए तैयार हैं और हम भी सोचते हैं कि ज्यादा सुबह